बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिर्फ दो अंडे और दो कबाब से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन, जिसके लिए हमने लिए हैं दो अंडे, दो कबाब, दो प्याज़े लेके इनको बारीक बारीक काट लिया है, 8 से 10 हरी मिर्चें लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है, 2 से 3 टमाटर लेके इनको मोटा मोटा काट लिया है, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्चें हमने ली हैं और 1 टीस्पून नमक लिया है। एक बार फिर से सभी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेके इसको हमने जला लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, इसके बाद नमक डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें डालेंगे, हल्के हल्के से इसे हम भूनेंगे 2 मिनट तक। टमाटर हो रहे हैं हमारे फुल चूल्हे पे, ताकि ये जल्दी से नरम होने लगे। बिल्कुल स्लो चूल्हा कर देंगे, 2 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे इसे। अंडों को अच्छे तरीके से फेटेंगे, दो मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने टमाटरों को देखेंगे, अच्छे तरीके से इनको बिल्कुल मैश करेंगे। अच्छे तरीके से टमाटर मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, तरीके से इसको हम 2 मिनट तक फुल चूल्हे पे फ्राई करेंगे। इस तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर अपने हम कबाब डाल देंगे, तो 5 मिनट तक के लिए इसको ढक देंगे बिल्कुल दम पे। अब हम अपने अंडे के अंदर ये धनिया शामिल करके इसको फिर से अच्छे से फेटेंगे। अंडे के अंदर धनिया हमने अपना काट के शामिल कर दिया है, अच्छे तरीके से इसको फेटेंगे। अब हम अपने कबाबों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे फुल चूल्हा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिश होती है ये, और होती भी बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से तैयार है। जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाएं, और घर में आपके कबाब और अंडे हों, तो आप ये डिश बनाया करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और सभी से शौक से खाते हैं। इसे आप ब्रेड के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी पराठे के साथ कर सकते हैं, बर्गर में इसको रख के आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब हम इसके अंदर अपना अंडा शामिल करेंगे। चूल्हा इसका फुल करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से बिल्कुल इसे मिक्स किया है। अब 2 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से दम लग चुका है। अच्छे तरीके से इसे चला के देखेंगे, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब निकाल के आपको दिखाते हैं। कि हमारे अंडे और कबाब का ये डिश कैसा बना। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती को ताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी शेयर करते हैं।
जिसे बनाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।